दोस्तों, क्या आपने एक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जिसके निर्माण में लगे विशालकाय पत्थर खुद हवा में उड़कर आए थे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन और पहाड़ी पर स्थित है और बहुत कम लोग ही है जो इस मंदिर के बारे में जानते हैं। पर दोस्तों, जब आप इस मंदिर के रहस्यों के बारे में सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अद्भुत टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल में। वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सिहोरा तहसील के मुरैट गांव में बना श्री राम जानकी मंदिर लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस सुदूर स्थित मंदिर में पहुंचते हैं। पहाड़ी पर बना यह मंदिर करीबन 300 साल पहले बना था। इस मंदिर के बारे में एक रोचक कथा इसके निर्माण से जुड़ी है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए पत्थर खुद उड़कर इस मंदिर के पास आए थे। हालांकि इस बात पर विश्वास करना बेहद कठिन है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण इस मंदिर को लेकर कई कहानियां बताते हैं। भगवान राम का यह मंदिर मुरैट गांव की पहाड़ी पर 300 साल पहले बनाया गया था। उस दौरान संसाधनों का बहुत अभाव था। निर्माण के लिए बड़े बड़े पत्थरों को पहाड़ी पर ले जाना था, जो कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उस दौरान एक संत थे जिनका नाम था सुदीन दास महाराज, जिनके कहने पर पत्थर खुद उड़कर मंदिर की जगह पर पहुंच गए और उसके बाद ही इस मंदिर का निर्माण किया गया। संत सुदीन दास ने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर के अंदर भी अद्भुत रहस्य छिपा है। मंदिर के पुजारी कहते हैं कि श्री राम जानकी मंदिर के बाईं ओर एक दरवाजा बना हुआ है। ये वही दरवाजा है जिसकी चौखट का पत्थर निर्माण के दौरान छोटा पड़ गया था। पत्थर छोटा पड़ने पर संत सुदीन दास ने कहा कि श्री राम प्रभु के काम के लिए आगे बढ़ जाओ, सब काम खुद ब खुद होने लगेगा। संत के कहने पर पत्थर ने अपना आकार बदल लिया और बड़ा हो गया। मंदिर के अंदर लगा ये चौखट आप आज भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, ये मंदिर कहाँ स्थित है इसका पूरा डिटेल्स हमने आप सभी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी के साथ एक नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।